तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर विद एडजस्टमेंट्स, जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट करा था आपके साथ। इसके अंदर आपको ये बताया था कि एडजस्टमेंट्स किसे बोलते हैं। तो एडजस्टमेंट्स सर हर उस चीज़ को बोलते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखी होती है। फिर आपको ये बताया था कि जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी होती हैं उन चीज़ों को कितनी जगह पोस्ट करते हैं, एक ही जगह पोस्ट करते हैं। डेबिट वाली आइटम को डेबिट साइड पर, क्रेडिट वाली आइटम को क्रेडिट साइड पर। और जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती हैं उन्हें कितनी जगह पोस्ट करते हैं, दो जगह। मतलब उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, एक इफेक्ट कौन सा, क्रेडिट, और दूसरा डेबिट। मतलब एक एस्पेक्ट डेबिट होगा, एक एस्पेक्ट क्रेडिट होगा। फिर इन बातों को मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाया था। तो उन एग्जाम्पल्स में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स एक एक जगह पोस्ट होते हैं, और अगर कोई एडजस्टमेंट होती है तो दो जगह पोस्ट होती है। फिर हमने पांच आपके साथ बेसिक एडजस्टमेंट्स डिस्कस करे थे, जो मुझे पता है आपको याद नहीं होंगे। पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक दो जगह कहाँ कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो कितनी जगह पोस्ट होगा, एसेट साइड में, सिर्फ एक ही जगह। फिर आपको दूसरी एडजस्टमेंट सिखाई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, जो रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में ऐड हो जाती है और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में जाती है। इसका हमने एक एग्जांपल करा था। तीसरी एडजस्टमेंट आपको प्रीपेड एक्सपेंस की बताई थी, जिसका ट्रीटमेंट आपको बताया था कि इसको रेस्पेक्टिव एक्सपेंस में से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते हैं। चौथी एडजस्टमेंट आपको करवाई थी एक्रूड इनकम की, जिसका ट्रीटमेंट आपको बताया था कि इसको रेस्पेक्टिव इनकम में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो करते हैं। और पांचवी और आखिरी एडजस्टमेंट आपको करवाई थी अनअर्न्ड इनकम की, जिसको हम रेस्पेक्टिव इनकम में से माइनस करते हैं और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो करते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको वैसे धीरे धीरे याद भी हो जाएंगी। फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल करा था, जिसमें आपको ये दिखा दिया था कि ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम्स कितनी जगह पोस्ट हुए, एक जगह, और जितनी भी एडजस्टमेंट थी नीचे, जैसे 1, 2, 3, 4, वो कितनी कितनी जगह पोस्ट हुई थी, दो जगह। तो हमने इस तरह का एक प्रेजेंटेशन बनाकर आपको पांच एडजस्टमेंट्स के बारे में सिखा दिया था, राइट? ओके जी, चलो तो आज का कार्यक्रम शुरू करना है हमें, और नंबर 6 हेडिंग से शुरू करेंगे, यानी कि एडजस्टमेंट नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो आज हमारा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आज जो एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे वो पुराने वालों से थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। तो नंबर 6 का नाम लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन तो इसमें दो एरो बनाते हैं पहले, ताकि इसके दो इफेक्ट्स लिख सकें हम। पहला आपको लिखना है डेबिट साइड इन पीएनएल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर इसको शो करना है। और दूसरा इफेक्ट लिखना है डिडक्ट फ्रॉम एसेट इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में एसेट में से डिडक्ट करना है। तो दो इसके एस्पेक्ट्स हैं। बाकी कॉन्सेप्ट के लिए बता देता हूँ, जब आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट करते हो तो दैट मींस वो डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट हो गया, और जब आप बैलेंस शीट में एसेट में से डिडक्ट करोगे तो कौन सा एस्पेक्ट हो गया, क्रेडिट एस्पेक्ट, जो आपको बाद में समझ आएगा, डोंट वरी, लेकिन अभी सिर्फ लिखने के लिए बता रहा हूँ। तो इस एडजस्टमेंट के दो प्रभाव इस प्रकार से होंगे, उसके नीचे स्टार डाल के, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन बैलेंस, इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होगा तो।
बताइए आइसक भाई, तो कितनी जगह पोस्ट होगा ये? एक जगह, क्यों? वेरी गुड, तो इसका मतलब तुम्हें याद है, तो एक ही जगह पोस्ट होगा क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दे रखा है। तो वो एक जगह कौन सी होगी? मारिए तुक्के, डिडक्ट फ्रॉम एसेट एंड बैलेंस शीट। चलो, तो तुक्के गलत हो गए बच्चों, बड़ा खेद है मुझे। तो आपको लिखना है डेबिट साइड एंड P&L अकाउंट। चलो, कभी कभी तुक्के भी तो गलत होने चाहिए ना, हर बार सही हो जाए तो फिर बच्चे को लगता है कि मैं बादशाह हूँ, कुछ भी तुक्का मारूंगा सही हो जाएगा। तो आपको एक जगह पोस्ट करना पड़ेगा डेबिट साइड इन P&L अकाउंट, अगर वो आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो। लेकिन डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट में बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें छोटे छोटे एग्जाम्पलों से आपके साथ डिस्कस करनी है, तो आपको इसके नीचे लिखना है एग्जाम्पल 1। चलिए, तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाना है 2 लाइन का, और इसमें एक आइटम लिखना है। आइटम का नाम है मशीन, 20,000, और उसके नीचे लिखना है नंबर 1 एडजस्टमेंट, डेप्रिशिएट मशीन एट द रेट 20%। चलो, तो इसमें लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको बनाना है 2 लाइन का P&L अकाउंट, छोटा सा, सिर्फ डेमो के लिए बनाने हैं सब बातें, और 2 लाइन की बैलेंस शीट। तो 2 लाइन का P&L अकाउंट और 2 लाइन की बैलेंस शीट। चलो, तो अब आपसे पूछते रहते हैं, देखते हैं भाई क्या बातें हैं। तो ट्रायल बैलेंस में जी मशीन दे रखा है हमको, तो आप इसको कहाँ पोस्ट करोगे? मशीन को बताइए, मशीन को कहाँ पोस्ट करते हैं हम? वेरी गुड, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो आप बैलेंस शीट के एसेट वाली साइड में लिख लीजिए मशीन, और अंदर लिख लो 20,000 जो दे रखी है, ठीक है ना? तो आपका ट्रायल बैलेंस का आइटम जो डेबिट में दिया है वो एक डेबिट साइड पर ही पोस्ट हो गया, क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने बताया था एसेट साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो ट्रायल बैलेंस का आपका डेबिट आइटम डेबिट साइड पर पोस्ट हो गया, ठीक है? अब आपको एडजस्टमेंट में नीचे दे रखा है डेप्रिशिएट मशीनरी या मशीन एट द रेट 20%। अब आपको इसको 20% डेप्रिशिएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू में 20% की गिरावट रिकॉर्ड करनी है। तो 20% कितना आएगा? 4,000, ठीक है? तो आपको अब ये 2 जगह रिकॉर्ड करना होगा 4,000 को। अब पढ़ो ट्रीटमेंट में कहाँ कहाँ दे रखा है। पहला तो कहाँ पे लिखना है आपको? डेबिट साइड इन P&L अकाउंट, और दूसरा डिडक्ट फ्रॉम एसेट इन बैलेंस शीट। तो ये जो 4,000 का डेप्रिसिएशन है, यानी कि ये जो गिरावट है, इसको 2 जगह रिकॉर्ड करना है। तो P&L अकाउंट के डेबिट साइड पर लिख लो टू डेप्रिसिएशन 4,000। तो एक जगह तो ये यहाँ रिकॉर्ड हो गया, देखो हाथ का निशान बना देते हैं, ठीक है? एक जगह तो ये रिकॉर्ड हो गया, और दूसरा आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है? दूसरा इसको बैलेंस शीट के मशीन वाले एसेट में से इसको माइनस करना है। तो आप 20,000 में से 4,000 माइनस कर दो। तो करो आइसक भाई, क्या देख रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के? 16,000, वेरी गुड, देखो वो होशियार बच्चे ने बताया। तो बाहर आंसर लिख लो 16,000। तो ये हाथ का निशान बना देता हूँ, तो ये आपने दूसरी जगह रिकॉर्ड कर लिया।
तो आपको एडजस्टमेंट दो जगह रिकॉर्ड करनी है डेप्रिसिएशन की, ठीक है सर? तो सब बच्चों को क्लियर हो गया दो जगह कैसे रिकॉर्ड करनी है आपको, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर और मशीन में से या एसेट में से माइनस। तो क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो, तो ये तो हो गया एग्जाम्पल वन। अब लिखो जी एग्जाम्पल टू। अब धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल करेंगे एग्जाम्पलों को। तो एग्जाम्पल टू में लिखना है आपको ट्रायल बैलेंस। तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो इसमें लिखो मशीन 1 लाख और डेप्रिसिएशन 10,000। बस ट्रायल बैलेंस क्लोज हो गया। और नीचे एडजस्टमेंट में लिखो नंबर वन डेप्रिशिएट मशीन एट 20%। और आपको मशीन डेप्रिशिएट करनी है अब 20%। तो हो सकता है इस तरह का स्ट्रक्चर हो। तो लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बनाएं दो दो लाइन का, एक बनाएं पीएनएल अकाउंट डेबिट क्रेडिट और दूसरा बनाइए बैलेंस शीट दो लाइन की। चलो, तो अब दोबारा आपसे पूछना है ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको दे रखा है मशीन, तो इसको आप कहाँ पोस्ट करोगे? एसेट साइड पर। वेरी गुड। तो मशीन को तो आप बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिख लो मशीन, और अंदर अंदर लिख लो इसकी वैल्यू 1 लाख। तो आपका ये आइटम तो एसेट साइड में पोस्ट हो गया। फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है डेप्रिसिएशन, तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे? अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इस डेप्रिसिएशन को आप क्या दो जगह पोस्ट करोगे? क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है। वेरी गुड। तो आपको इस डेप्रिसिएशन को सिर्फ एक जगह पोस्ट करना है, कहाँ पर? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर, टू डेप्रिसिएशन। वेरी गुड। तो बस आपको इस बात का ही ध्यान रखना है कि अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी जगह पोस्ट करना है, एक जगह। तो पहले इतना क्लियर हो गया। अब जो एडजस्टमेंट में दे रखा है डेप्रीशिएट मशीन एट द रेट 20%, आपको अब डेप्रीसिएशन मशीन का करना है 20%। तो कितना आएगा 20%? 20,000। उसको कितनी जगह पोस्ट करोगे? दो जगह। वेरी गुड। क्योंकि वो एडजस्टमेंट है। तो अब दो जगह कहाँ कहाँ पोस्ट करोगे उसको? हाँ, तो एक तो पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर कर दोगे, तो कर दो। टू डेप्रिसिएशन 20,000। तो ये तो एक जगह पोस्ट हो गया। और दूसरी जगह कहाँ पोस्ट करोगे? ठीक है, तो रोहित भाई वहाँ से बैठ के कह रहे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे का मुझे क्या मतलब, कहाँ पे? बोलो सर, मशीन में से माइनस करेंगे 20,000। तो कितना आ गया आंसर? 80,000। तो ये आपकी बन गई प्रेजेंटेशन, ठीक है जी? तो क्लियर हो गया एग्जांपल टू भी। सर और मुश्किल दो। चलो, तो और मुश्किल लिखते हैं एग्जाम्पल थ्री। तो एग्जाम्पल थ्री में लिखते हैं जी ट्रायल बैलेंस। तो एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाओ। इसमें दे रखा है आपको मशीन 1 लाख
उसके नीचे दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ओ माई गॉड, 20,000। तो सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को सुना सुना सा लग रहा है। ठीक है, तो दो आइटम आपको ये दे रखे हैं और एडजस्टमेंट में दे रखा है डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% SLM। अच्छा, तो लिखो जी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में बनाओ दो लाइन का PNL अकाउंट। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ और दो लाइन की बैलेंस शीट। तो दो लाइन का PNL अकाउंट, दो लाइन की बैलेंस शीट। चलो, तो अब देखो, अब पहले आप ट्रायल बैलेंस का आइटम बताओ। ट्रायल बैलेंस में दे रखा है मशीन, तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे? वेरी गुड, तो इसको एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे एक जगह। तो आप लिख लो मशीन, ठीक है, अंदर लिख लो 1 लाख। ठीक है, अब दूसरा आइटम दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो आप होशियार सब बच्चों से ये कि एग्जाम्पल 2 के अंदर मैंने ट्रायल बैलेंस में डेप्रिसिएशन दिया था, और इस क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में मैंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है, तो क्या दोनों एक ही बात होती है? नहीं। तो पहली बात तो मैं डिफरेंस बता देता हूँ। एग्जाम्पल 2 में अगर आप नोटिस करोगे, डेप्रिसिएशन की वैल्यू कौन सी साइड दे रखी है आपको? डेबिट साइड, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है। लेकिन एग्जाम्पल 3 में अगर आप नोटिस करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू कौन सी साइड दे रखी है? क्रेडिट साइड, क्योंकि आपको एक चैप्टर में सिखाया था कि जितने भी प्रोविजन्स होते हैं आर लाइबिलिटी, तो ये एक तरह से इसीलिए आपको क्रेडिट में दे रखा है। तो ये दोनों अलग अलग टर्म्स होते हैं, पहले ये बात ओके हो गई। चलो ठीक है, तो अब इसको पोस्ट करना है आपको, तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे? अब बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर पोस्ट नहीं करना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, क्यों सर क्यों नहीं करना? आप तो कह रहे हो ये लाइबिलिटी होती है, तो प्रोविजन बिल्कुल डेफिनेटली एक लाइबिलिटी होती है, और मैं चाहूं तो इसको लाइबिलिटी में पोस्ट कर दूं। अभी आप मत लिखना, नहीं तो कटिंग हो जाएगी। लेकिन हम कभी भी प्रोविजन को लाइबिलिटी में इधर लिखकर शो नहीं करते, मतलब क्लास 11th के अंदर तो खासकर हम इसको एज अ डिडक्शन शो करते हैं फ्रॉम द एसेट। यानी कि हम इसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे नहीं। अब मैं यहां से देखो इसको हटा देता हूं, हम इसको कहां पर शो करेंगे? मशीन में से किसकी तरह शो करेंगे? एज डिडक्शन। तो आपको मशीन में से क्या करना पड़ेगा? माइनस। पहले मैं पूरा कंप्लीट कर लूं सर। तो आपको पहले यह बात समझ आ गई कि प्रोविजन को आपको लाइबिलिटीज में नहीं लिखना, कहां लिखना है? एसेट में से डिडक्शन की तरह शो करना है। तो पहले आप इतना लिखो, माइनस प्रोविजन। बस रुपीज मत लिखना, लेकिन आगे मैं लिख रहा हूं 20,000, लेकिन आप मत लिखना, आपको नहीं लिखना, नहीं तो आपकी कटिंग हो जाएगी। तो आपको ये प्रोविजन कहां पोस्ट करना होता है? एसेट में से माइनस करना होता है। लेकिन अभी आप 20,000 मत लिखना, नहीं तो आपकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, पहले इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब उसके बाद लिखा है आपको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब वही स्ट्रेट लाइन मेथड। तो 10% निकालो कितना आया?
10,000। तो अब इसको कितनी जगह रिकॉर्ड करोगे? दो, क्योंकि ये तो एडजस्टमेंट है। तो एक जगह तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम? पीएनएल के डेबिट साइड पर। वेरी गुड, तो कर दो, आ जाओ। टू, डेप्रिसिएशन 10,000, और दूसरी जगह कहाँ रिकॉर्ड करते हैं इसको बताओ? दूसरी जगह, एक तो सही बता दी, दूसरा एसेट में से क्या करते हैं? माइनस करते हैं ना। तो अब बस सुनते रहना। अब देखो, आपको दो थप्पड़ पापा मार रहे हैं पहले से और एक थप्पड़ मम्मी मारने आ रही हैं, तो आपको टोटल कितने थप्पड़ पड़ेंगे? तीन पड़ेंगे। तो अगले दिन मम्मी ने कहा या पापा ने कहा कि तुम एक काम करो, इसको थप्पड़ एक मत मारो, मैं ही आके इसको कितने थप्पड़ मार दूंगा? तीन। तो अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम 10,000 को माइनस करेंगे अगर, बड़े ध्यान से देखना, तो एक तरह से आपने दो चीजें माइनस करी हैं। क्या क्या? एक तो प्रोविजन 20,000 का और दूसरा डेप्रिसिएशन 10,000 का। तो पापा ने दो थप्पड़ मारे, मम्मी ने एक थप्पड़ मारा, लेकिन हम इस तरह से प्रेजेंटेशन नहीं शो करते। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये शो कर देते हैं कि जो प्रोविजन है वो ही 30,000 माइनस कर दो। तो ये है उसमें वो यूनिक बात जिसके लिए आपको मैंने अमाउंट नहीं लिखवाया था। समझ आ गया पॉइंट? तो अब आप ऐसे नोट करना, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग। तो बाहर आपका आंसर आ जाएगा 70,000। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दे रखा होगा तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा, मतलब तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। तो क्लियर हो गया? तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको भी दूंगा क्योंकि मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है। तो एक एग्जाम्पल फोर आपसे करवाऊंगा सॉल्व। तो लिखिए जी एग्जाम्पल फोर, बस लास्ट एग्जाम्पल मतलब इसका, फिर ये एडजस्टमेंट खत्म। चलो, तो इसमें लिखो, एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस है तो दो लाइन का ट्रायल बैलेंस बनाइए। इसमें लिखो फर्नीचर 2 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 40,000 और एडजस्टमेंट में लिखो नंबर वन डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 20% ब्रैकेट में WDV। चलो, तो अब आप करिए, 5 मिनट बाद मुलाकात करते हैं। चलो, तो बच्चे तैयार हैं, बच्चे बताएंगे। हाँ जी, तो आपने दो ढांचे बनाए पहले, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो आपने फर्नीचर को कहाँ पोस्ट करा? चलो ये बताओ, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर। ओके, तो प्रण्या दीदी आपने इतना काम करा कि इतना भी नहीं करा? इतना कर लिया, ठीक है। तो इतना ओके है सबको? ठीक है। फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इसको कहाँ पोस्ट करेंगे? एसेट में से माइनस करके शो करेंगे। तो 40,000 आपको दे रखा है, तो क्या आपने 40,000 माइनस कर दिया? करा नहीं, लेकिन ऐसे लिख लिया। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? डेप्रीशिएट फर्नीचर एट द रेट 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। तो आपने फर्नीचर डेप्रीशिएट करा 20%, मतलब 20%, तो कितना आया? 40,000। तो उसको कितनी जगह पोस्ट करेंगे? दो। तो एक तो कहाँ पोस्ट करा? पीएनएल के डेबिट साइड। तो ये करा आपने पोस्ट प्रण्या दीदी? नहीं करा। ये भी कर लिया, ये तो अभी चेप के कर रहे हो।
ठीक है, और दूसरी जगह कहाँ पोस्ट करा? दूसरी जगह कहाँ पोस्ट करेंगे? फर्नीचर में से माइनस कर देंगे। तो अलग से लिख के माइनस करें या इसी में जोड़ दे पापा के थप्पड़ के साथ ही? इसी में। ठीक है, तो क्लियर है पहले इतनी कहानी। चलो, तो क्या आंसर आ रहा है फर्नीचर का? 1,20,000। ओके, चलो, तो ये इसका मतलब आपने वो क्लासिक गलती करी जो मैं चाहता था कि आप गलती करें। तो बताइए क्या क्लासिक गलती करी इस एग्जाम्पल में? ठीक है, मैं बता देता हूँ। इस एग्जाम्पल में जो आपका डेप्रिसिएशन का मेथड है वो कौन सा है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। पुराने एग्जाम्पल में कौन सा मेथड था? स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स में अंतर होता है, इसीलिए आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ाया जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब ये होता है कि इसमें हम डेप्रिसिएशन मशीन की कॉस्ट पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो आपने पिछले एग्जाम्पल में इसीलिए 10% किस पर कैलकुलेट करा? कॉस्ट पर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या आप डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हो? नहीं। तो इस मेथड में आपने 20% अगर 2 लाख पर कैलकुलेट कर 40,000 जो मुझे बताया वो गलत है, राइट? क्योंकि इस मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कभी भी कॉस्ट पर नहीं किया जाता। किस पर किया जाता है? इनफैक्ट बुक वैल्यू पर। ये इसीलिए उस चैप्टर में सिखाया जाता है। आपके फर्नीचर की अगर कॉस्ट 2 लाख है और प्रोविजन 40,000 दे रखा है, दैट मीन्स इस फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी है? 1,60,000। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की खूबसूरती ये होती है जो आपको सिखाई थी पुराने चैप्टर में, कि इसमें आपको डेप्रिसिएशन किस पर कैलकुलेट करना पड़ेगा? बुक वैल्यू पर, 1,60,000 पर। समझ आ गया पॉइंट? तो आपकी फिगर मुझे गलत करवानी थी जानबूझ के, मेरी चाल थी इस एग्जाम्पल 4 के माध्यम से कि आपको ये सिखाया जाए कि दोनों मेथड्स में SLM में और WDV में फर्क होता है। तो आपका 20% जो आप कैलकुलेट करोगे वो किस वैल्यू पर कैलकुलेट करोगे? बुक वैल्यू पर। तो वो कितना आएगा? 32,000, 32,000। तो आपको ये वैल्यू 32,000 लिखनी। तो आपने वही निकाली थी सर? तुम तो होशियार हो ही। खैर, चलो, तो खैर अब सब बच्चे होशियार बन गए। तो ये आपका डेप्रिसिएशन आएगा 32,000। तो आपका 32,000 ही इसीलिए नीचे प्रोविजन में भी जाएगा। तो प्रोविजन की वैल्यू क्या माइनस करनी पड़ेगी अब आपको? 72,000। 80,000 गलत था। तो इसीलिए आपका सही आंसर अब क्या बनेगा? 128। ये सही आंसर बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 एग्जाम्पल्स थे आपके इस एडजस्टमेंट के। ध्यान रखना एग्जाम में के लिए ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट तो है ही है और 100% है, मतलब ये एडजस्टमेंट आपको अवश्य मिलेगी। इसका नाम क्या था? डेप्रिसिएशन। ठीक है ना, तो 4 एग्जाम्पल अच्छे से रिवाइज करना जब भी आपका एग्जाम हो। तो क्लियर हो गया डेप्रिसिएशन, अलग अलग सारी वैरायटी। इसके अलावा कोई वैरायटी आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। चलो, नंबर 7 पे बढ़ते हैं आगे। अगली एडजस्टमेंट, अगले एडजस्टमेंट का नाम है नंबर 7 का बैड डेट्स, बुरे लोग आपकी तरह। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स का सर बनाइए 2 एरो पहले कि इस एडजस्टमेंट का। बैड डेट्स का मीनिंग तो वैसे याद है सबको, वो तो याद होना ही चाहिए, मैं तो बताऊंगा नहीं अब। तो बैड डेट्स के 2 एडजस्टमेंट्स, 2 पोस्टिंग लिखनी है। पहली, डेबिट इन PNL अकाउंट, और दूसरा लिखना है डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। ठीक है, बस। तो 2 एडजस्टमेंट्स की पोस्टिंग्स हो जाएंगी।
और एस्पेक्ट अगर लिखने हो अपने रेफरेंस के लिए, तो डेबिट इन पीएनएल अकाउंट का मतलब कौन सा एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है? डेबिट एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, और डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स का मतलब है क्रेडिट एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है बेसिकली। तो ये लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, आपकी श्रद्धा। मेरा काम था ये सिर्फ समझाने का कि हर एडजस्टमेंट के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक एस्पेक्ट डेबिट और एक एस्पेक्ट क्रेडिट होता है, बट आपको ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर सितारा, इफ बैड डेट्स आर गिवन इन ट्रायल बैलेंस, देन अगर आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं तो बताइए क्या होगा, कितनी जगह जाएगा? एक जगह की पोस्ट होगा, कौन सी, क्या? ओके, तो डेबिट इन पीएनएल अकाउंट, ठीक है, तो तुक्का आपका सही चल गया। तो फिर एक ही जगह पोस्ट होगा, डेबिट इन पीएनएल अकाउंट। तो इसका एक ही एग्जांपल करेंगे बैड डेट का, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं पॉइंट, छोटा सा ही है, एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे। तो लिखो एग्जांपल, तो एक ट्रायल बैलेंस बनाना है 2 लाइन का, तो लिखो इसमें एक आपको दे रखे हैं डेटर्स 1 लाख, और एक आपको दे रखे हैं बैड डेट्स 3000। बस ट्रायल बैलेंस ख़त्म, और नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है आपको नंबर 1 बैड डेट्स ₹6000। चलो तो बनाओ सॉल्यूशन, दो चीज़ें बनानी है छोटी छोटी, दो दो लाइन की। एक बना लो पीएनएल अकाउंट, और एक बना लीजिए बैलेंस शीट। तो पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, चलो। तो सबसे पहले मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चे एक बात लिखेंगे मेरे साथ। आपने नोटिस करा कि आपको बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे रखे हैं और बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में भी दे रखे हैं, है ना? यानी कि बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है और बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस के बाहर भी है। तो जो अंदर वाले बैड डेट्स होते हैं, आज से आपको कसम खानी है कि उन बैड डेट्स को क्या बोलना है, बताओ क्या बोलना है जी? ओल्ड बैड डेट्स। तो लिखो बादल के अंदर, हम आज से इन्हें बोला करेंगे कौन से बैड डेट्स? ओल्ड बैड डेट्स। तो लिख लो, और जो बैड डेट्स आपको एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, आज से आप उन्हें क्या बोला करेंगे? न्यू बैड डेट्स। और बाय चांस गलती से अगर आपने किताब खोल ली, तो हो सकता हो आपको किताब के अंदर देखने को मिले कि किताब वाले इसको न्यू की बजाय फर्दर बैड डेट्स भी कहते हैं। तो आप अपने बाल मत नोचना कि अरे सर ने तो न्यू बैड डेट्स कहा था और किताब वाले फर्दर बैड डेट्स कह रहे हैं, तो एक ही मत बात होती है, तो वो भी लिख लो चाहे। लेकिन ओल्ड और न्यू से याद करना थोड़ा आसान होता है, तो हम ओल्ड और न्यू लिख लेते हैं ना। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वालों को क्या बोलना है? ओल्ड बैड डेट्स, और एडजस्टमेंट वालों को न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स। चलो अब पोस्टिंग बताइए जी, प्रज्ञा दीदी आप बता सकती हो डेटर्स की पोस्टिंग कहाँ होगी? आपने पुराने चैप्टर में सीख रखा है। हाँ तो चलो, तो
तो डेटर्स को पोस्ट कर देते हैं कहां पर, एसेट साइड में, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख लो डेटर्स 2 लाख रुपए। फिर उसके बाद आपको 1 लाख रुपए, सॉरी 1 लाख। फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे हैं बैड डेट्स, तो ये कितनी जगह पोस्ट होंगे, एक जगह। तो कहाँ लिखवाया था पढ़ो ऊपर तारे में, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्कुल सही। तो आप इन बैड डेट्स को डेबिट साइड में पोस्ट कर दोगे, तो यहां पे लिख लेते हैं 2 बैड डेट्स, अंदर लिख लेना 3000, ठीक है, अंदर लिख लेना 3000। तो क्लियर हो गया भाई, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक एक जगह पोस्ट हो गए। फिर उसने आपको एडजस्टमेंट में जो बैड डेट्स दे रखे हैं वो कितनी जगह पोस्ट होंगे, 2 जगह। उसका भी ट्रीटमेंट पढ़ो, 2 जगह कहां कहां पोस्ट होंगे, एक तो डेबिट साइड इन पीएनएल अकाउंट और दूसरा डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। तो जो एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स होते हैं यानी कि न्यू बैड डेट्स, इनको 2 जगह कहाँ कहाँ लिखना है, एक तो डेबिट साइड इन पीएनएल अकाउंट। तो हम इन्हें क्या करते हैं, हम इन्हें पुराने वाले बैड डेट्स में ही जोड़कर लिख लेते हैं, बात तो एक ही है। तो आप इसमें ऐसे लिख लो न्यू बैड डेट्स 6000, तो इन्हें आप पुराने बैड डेट्स में ही जोड़कर लिख लो, क्योंकि बात तो एक ही है, अलग से लिखोगे तो भी बात वही है, जोड़ के लिखोगे तो भी बात वही है। तो पुराने और नए दोनों मिलकर बाहर आ गए 9000। ये तो हो गया एक जगह, और दूसरी जगह कहाँ लिखना है जी, दूसरी जगह लिखना है इनको डेटर्स में से माइनस, तो माइनस कर दो न्यू बैड डेट्स 6000 बस। तो आपका डेटर का आंसर कितना आ गया, 94000। तो बैड डेट्स एक सिंपल एडजस्टमेंट है, बस एक ही इसका एग्जांपल है। तो ओल्ड बैड डेट्स भी हो न्यू बैड डेट्स भी हो, तो आपको पता है एक जगह पोस्ट करना है या 2 जगह पोस्ट करना है। ओके, क्लियर हो गया बैड डेट्स। फिर इसके नीचे स्टार डालना है, एक बैड डेट्स के ही बिछड़े भाई का नाम है, वो कोई अलग से इसीलिए हेडिंग नहीं है, उनका नाम लिखिए बैड डेट्स रिकवर्ड। कभी कभी ये भी एडजस्टमेंट में दिया हो सकता है बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बैड डेट्स रिकवर्ड याद है आपको क्या होता था, इसका मीनिंग क्या होता था, जो पिछले साल बैड डेट्स थे लोग, उन्होंने इस साल आपको पैसे दे दिए तो उन्होंने पैसे वापस कर दिए। तो इसके लिख लीजिए 2 एडजस्टमेंट्स क्या क्या होंगे। तो बैड डेट्स रिकवर्ड को कहाँ लिखना है, लिखो क्रेडिट साइड इन पीएनएल अकाउंट। तो पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखना है क्योंकि आपका फायदा हो गया। और दूसरा इस पर कोई तुक्का, प्लस इन डेटर्स, चलो तो ये हो गई नलाई की। तो लिखो एड इन कैश इन बैलेंस शीट, तो कैश वर्ड पे बादल बना लेते हैं ताकि याद रहे। तो इसे आपको किस में ऐड करना है, कैश में ऐड करना है बैलेंस शीट के अंदर, डेटर्स में नहीं ऐड करना, ठीक है ना। तो यही नलाई की देखनी थी मुझे आपकी, क्योंकि जब बैड डेट्स हमें पैसे वापस देते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो हमारा कैश बढ़ता है, हमारे डेटर नहीं बढ़ते। तो इसीलिए आपको किस में ऐड करना है, कैश में ऐड करना है। इसके नीचे लिखो इफ बैड डेट रिकवर्ड इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर बैड डेट रिकवर्ड आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हो
तो बताओ आइसक भाई, क्या करोगे फिर तुम? वो तो अब पता चल गया, कहाँ तुक्का मारो। एक ही जगह रिकॉर्ड करेंगे, वो तो ठीक हो गई बात। तो एक ही जगह कौन सा करोगे? तो मारिए बच्चों जी तुक्का, एक ही जगह क्या करेंगे? क्रेडिट साइड इन PNL अकाउंट। ओके ठीक है ना। तो फिर आपको खाली क्रेडिट साइड इन PNL अकाउंट में ही पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपको कम देखने को मिलेगा बैड डेट रिकवर्ड का पॉइंट। तो ये कोई अलग एडजस्टमेंट नहीं है, ये बैड डेट के साथ ही इसीलिए हमने चिपका दी। तो ये बेसिकली आपकी जो सेवन्थ एडजस्टमेंट है बैड डेट्स, वो अपने आप में बैड डेट्स तो है ही है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ बैड डेट्स रिकवर्ड भी है। चलो इसके बाद लिखना है जी एडजस्टमेंट नंबर 8, आज के लिए आखिरी एडजस्टमेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले दो तारे लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्वेश्चन अलग से 3 से 4 नंबर का आता है। इसका नाम है जी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसे अब हम शॉर्ट में बोला करेंगे PDD, क्योंकि इतना बड़ा शब्द बोलना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो बोलने में अजीब, सुनने में डरावना। आप आधा तो सुन के ही छोड़ दोगे कि छोड़ो यार ये क्या है। तो इसको हम क्या बोलेंगे अब? PDD, मतलब शॉर्ट में PDD वर्ड बोलेंगे कक्षा के अंदर। तो मैं भी PDD बोलूँगा, आप भी PDD बोलोगे। बाकी हमें इसका मीनिंग वैसे पता है कि PDD मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है कहानी। तो इसका आप ट्रीटमेंट ऐसे लिख लो दो एरोज डाल के पहले, बाकी इसके एग्जाम्पल्स हमें करने हैं। तो पहला लिख लो डेबिट साइड इन PNL अकाउंट, डेबिट साइड इन PNL अकाउंट। और दूसरा बताओ स्कूल के योद्धा लायक डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट, डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। रटने वाले बच्चों के लिए काम कर देता हूँ, जैसे प्रज्ञा दीदी को रट रहे हैं। तो प्रज्ञा दीदी, आपको अगर सेवन्थ एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट याद है या रट लिया, तो आपका 8th भी सेम ही है। तो बैड डेट्स का ट्रीटमेंट क्या लिखा पाता? डेबिट साइड इन PNL अकाउंट और दूसरा डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। तो इस 8th एडजस्टमेंट का भी ट्रीटमेंट क्या लिखा हुआ है? डेबिट साइड इन PNL अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। तो मतलब इसका 7th की तरह बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है। बाकी सितारा डाल के इफ PDD इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, अगर PDD आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है इफ PDD इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो क्या करेंगे? कितनी जगह पोस्ट करेंगे? कितनी जगह पोस्ट करेंगे? एक जगह, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है। तो वो एक जगह आप कहाँ पोस्ट करोगे? डेबिट साइड इन PNL। ओके तो ये हो जाएगा फिर गलत। तो लिखो क्रेडिट साइड इन PNL अकाउंट। ओ माय गॉड सर, ये क्या कह रहे हो आप? कहीं आप गलत तो नहीं कह रहे सर? सोच लो आप, सर सोच लो, कहीं आप गलत तो नहीं कह रहे? ये क्या लिखवा दिया आपने? क्रेडिट साइड इन PNL, मतलब पहली बार इतना बड़ा ट्विस्ट। हाँ तो इसमें पहली बार इतना बड़ा ट्विस्ट है, लेकिन वो ट्विस्ट आपको अभी ऐसे नहीं समझ आएगा, वो सब हमें एग्जाम्पलों से समझना है कि इसमें ये बातें क्या हैं। लेकिन लिखने के लिए अभी लिख लो। तो अगर PDD आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा, तो फिर कौन सी साइड लिखना है आपको?
क्रेडिट साइड एंड पी एन एल अकाउंट एक ही जगह लिखना है बस। चलो खैर, इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स पहले करने हैं। लिखो एग्जांपल वन, ठीक है। थोड़ा फास्ट अब हाथ चलाना अपने, खूब सारे एग्जांपल्स हैं तो गंदी गंदी लाइनें बनाना, ज़्यादा सुंदरता पर ध्यान नहीं देना है। तो बनाओ ट्रायल बैलेंस, छोटा सा डेबिट क्रेडिट। तो इसमें लिखो डेटर्स 3 लाख, बैड डेट्स 2000, और इसको क्लोज कर दो। और नंबर वन एडजस्टमेंट में लिखो क्रिएट PDD एट द रेट 5%, क्रिएट PDD एट द रेट 5%। चलो तो लिखो सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन, 2 लाइन का PNL अकाउंट, और 2 लाइन की बैलेंस शीट। चलो तो पहले ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस में सर डेटर्स दे रखा है आपको, तो इसको कहाँ पोस्ट करोगे बताइए? तो ट्रायल बैलेंस के डेटर्स को कहाँ पोस्ट करना है आपको? एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो लिख लो डेटर्स कितना दे रखा है, 3 लाख। फिर उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेट्स। तो बताओ आस्था दीदी, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में दे रखा है तो इनका क्या नाम होता है? वेरी गुड, ओल्ड बैड डेट्स, शाबाश। तो इसको एक जगह पोस्ट करना है। आइसक भाई बताओ एक जगह कहाँ पोस्ट करेंगे इसे, ओल्ड बैड डेट्स को? हाँ, तो इसे PNL अकाउंट के डेबिट साइड पर पोस्ट कर देंगे। वेरी गुड, टू बैड डेट, अंदर लिख लेना 2000। चलो तो ये तो ओके हो गया, ट्रायल बैलेंस के आइटम एक एक जगह पोस्ट हो गए, ठीक है जी। अब मैं आपको एडजस्टमेंट समझा देता हूँ। कह रहा है क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5%। तो 5% किसका कैलकुलेट करना है बताओ, 5% किसका कैलकुलेट करना है? डेटर्स, वेरी गुड। तो आप 5% किसका कैलकुलेट करते हो मेरे प्यारे बच्चों? डेटर्स का। तो निकालो जरा 5% कितना आएगा, 15,000, 15,000, ओके। तो इसको कितनी जगह पोस्ट करना है आपको? अब 2 जगह, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है ना। तो पढ़ लो ऊपर, देखते हैं। अब इसको 2 जगह कहाँ कहाँ पोस्ट करना है? डेबिट साइड इन PNL अकाउंट, और दूसरा डिडक्ट फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। 2 जगह पोस्ट करना है। तो आपको इस प्रोविजन को कितनी जगह पोस्ट करना है? 2 जगह। तो आइए करते हैं। तो एक तो PNL के डेबिट साइड पे, बस इसमें हम जब PNL के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, बैड डेट्स के अंदर ही जोड़कर शो कर देते हैं, क्योंकि बात तो एक ही है, अलग से लिख लो चाहे जोड़ के शो कर लो, बात तो एक ही है। तो हम जोड़कर शो कर देते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बेहतर मानी जाती है। तो एक जगह तो PNL अकाउंट के डेबिट साइड पर चली गई, और दूसरी जगह कहाँ पोस्ट हो जाएगा ये? माइनस किस में से? डेटर्स में से। तो इसमें से आप माइनस कर दोगे PDD 15,000। तो क्या आंसर आ गया डेटर्स का?
2,85,000। ओके ठीक है, क्लियर। तो ये तो था सिंपल एग्जांपल जो एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अब एग्जांपल टू, वो आपको जो लिखना है वो आपको जड़ से हिला देगा। हो सकता है कुछ बच्चे पागल हो जाएं, हो सकता है कुछ बच्चे अपनी सीटों से नीचे गिर जाएं, और दो चार बच्चों की तो पीछे हो सकता है सांसें ही बंद हो सकती हैं। तो इसीलिए दिल थाम कर एग्जाम्पल टू मेरे साथ करना है आपको। इसमें लिख लो 4 मार्क्स की एग्जाम में आपका, बिल्कुल आपके स्कूल वाले अगर खतरनाक स्कूल से आप बिलोंग करते हो तो ये प्रश्न अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल टू लिखना है मेरे साथ, सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आज का, इस एडजस्टमेंट पर बेस्ड। तो एक ट्रायल बैलेंस बनाना है, और ट्रायल बैलेंस 4 लाइन का बनाना है इस बार। इसमें लिखो जी डेटर्स 4,10,000, इसमें लिखो जी बैड डेट्स 6,000, और इसमें लिखो जी PDD कितना 20,000। तो आपको 3 चीज़ें ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी हैं, और एडजस्टमेंट में लिखना है नंबर वन, पहली एडजस्टमेंट है बैड डेट्स ₹10,000, और दूसरी एडजस्टमेंट, दो एडजस्टमेंट है, दूसरी एडजस्टमेंट मेंटेन PDD एट द रेट 10%, मेंटेन PDD एट द रेट 10%। तो ये है जी आपका प्रश्न। तो अब इसमें पहले मेरे सारे सवालों का आपको जवाब देना है। जो बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में अंदर दे रखे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? वेरी गुड, तो लिख लो ओल्ड बैड डेट। जो बैड डेट्स नीचे एडजस्टमेंट में दे रखे हैं उन्हें क्या बोलेंगे? न्यू बैड डेट्स, वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो बैड डेट्स में याद करवाई दी कहानी। अब इसी तरह PDD, PDD भी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी दे रखा है, और PDD आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर मतलब एडजस्टमेंट में भी दे रखा है। तो अब जो PDD ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है उसे क्या बोलेंगे? ओल्ड PDD, और जो PDD एडजस्टमेंट में दे रखा है उसको न्यू PDD। तो आपको ये नहीं कहना है, ये है नलाई की। तो जो PDD आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखा है उसको बोलते हैं ओपनिंग PDD। कौन सा PDD? ओपनिंग PDD, तो लिखो बादल में। और जो PDD नीचे दे एडजस्टमेंट में दे रखा है उसको बोलना है क्लोजिंग PDD। तो ये थोड़ा सा मतलब नाम में परिवर्तन है। अब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आइए जी। सॉल्यूशन नामकरण करने के बाद, तो इसमें सॉल्यूशन में आपको पहले मेरे साथ लिखना है जर्नल, क्योंकि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्रीज करके दिखाओ। तो मैं आपको 3 जर्नल एंट्रीज करवाऊंगा, तो आप 3-3 लाइन की जगह छोड़ के ऐसी जर्नल बना लीजिए, मतलब बिना फॉर्मेट के। एग्जाम में तो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी ऐसे लिख लो नंबरिंग 1, 2, 3। फिर उसके नीचे जर्नल लिखने के नीचे 3 जगह 3 लाइनों की जगह छोड़ छोड़ के, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन कहता है लेजर बनाओ, तो आपको 4 लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ओ माय गॉड सर, क्या कह रहे हो आप? कितने लेजर अकाउंट सर, दोबारा बोलो एक बार। 4। अच्छा 4, तो कौन कौन से? डेटर अकाउंट एक तो, ठीक है सर, 5-5 लाइन के बनाना। बैड डेट्स अकाउंट दूसरा, ठीक है सर, उसके बाद तीसरा लेजर आप बताओ, तुक्का मारो जरा।
पीडीडी, वेरी गुड। तीसरा लेजर पीडीडी अकाउंट। तो ये भी 5 लाइन का। डेबिट क्रेडिट, ठीक है जी। और चौथा लेजर वो आपका वही पुराना है, पीएनएल अकाउंट, लेकिन ये भी थोड़ा बड़ा बनाना, वही 5 लाइन का। तो 4 लेजर अकाउंट बनेंगे। और फिर वो कहेगा ऑल्सो शो क्या बैलेंस शीट, वो तो खैर शो करनी ही है, वो भी आप 5 लाइन की बना लेना। तो सर ये ज़रा सा क्वेश्चन 4 नंबर में, मतलब इतना ये सब, वो तो सर फिर हम 4 नंबर के लिए तो छोड़ ही देंगे, 96 ले आएंगे, उसमें क्या है। तो 4 नंबर के लिए सर इतनी मेहनत कि तीन तीन जर्नल एंट्रियां करनी हैं, चार चार लेजर अकाउंट बनाने हैं, फिर बैलेंस शीट बनानी है, 4 नंबर के लिए तो हम छोड़ देंगे, क्यों आइसक भाई। 96 आ गए तो भी क्या बुरा। तो ऐसा नहीं है, कई बार वो खाली 4 नंबर में आपसे जर्नल पूछ सकता है, या कई बार वो खाली 4 नंबर में आपसे लेजर पूछ सकता है, या कई बार खाली 4 नंबर में पीएनएल और बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। तो मेरे को कॉम्प्रिहेंसिवली करवाना है, वो पूछे कुछ भी, ठीक है। चलो तो अब मैं शुरू करूं, बन गए ढांचे, बना लो पहले सब बच्चे ढांचे। ये क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, आपसे नहीं होगा, अपने आप में तो गड़बड़ होगी। बना लो पहले ढांचे। चलो तो मैं सिखाता हूं कैसे कैसे करना, मेरे साथ साथ करना। तो पहले मैं आपको जर्नल एंट्री से शुरू करवाता हूँ। तो आप देखो कि हमें सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या दे रखा है। पहला आइटम क्या है, डेटर्स। दूसरा आइटम क्या है, नहीं ओल्ड बैड डेट्स बोलना है आपको। दूसरा आइटम क्या है, ओल्ड बैड डेट्स। और तीसरा आइटम क्या है, ओपनिंग पीडीडी, ठीक है। तो इन तीनों का जर्नल एंट्री में कोई काम नहीं होता। अब नीचे एडजस्टमेंट पहली क्या दे रखी है, न्यू बैड डेट। तो हमें न्यू बैड डेट्स की जर्नल एंट्री करनी पड़ती है। तो अब किसी बच्चे को याद है जर्नल एंट्री बैड डेट्स की, सिखा तो रखी है वैसे मैंने तो पहले भी। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, अच्छा, बैड डेट्स किसको कम करते हैं, टू डेटर। तो लिखो न्यू बैड डेट्स की पहली जर्नल एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो ये आपको वैसे पहले पढ़ा रखा है जर्नल चैप्टर में, है ना। तो ये वही है, तो बैड डेट की न्यू बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। पहले पहले एंट्री क्लियर हो गई। अब दूसरी एंट्री जो है वो मुझे अब सिखानी ही है, वो तो नया है, वो तो आपने पहले भी नहीं पढ़ रखा। अब आपके ओल्ड बैड डेट कितने हैं, ओल्ड बैड डेट 6000 और न्यू बैड डेट कितने हैं, 10000। तो दोनों बैड डेट्स मिलाकर कितने हो गए, 16000। तो इन ओल्ड और न्यू बैड डेट्स को हम पता है एक जगह भेज देते हैं, इन्हें कहते हैं भैया आप यहाँ से निकलिए, इस कमरे से निकलिए और उस कमरे में चले जाइए। तो हम ओल्ड और न्यू बैड डेट्स को निकाल के कहाँ फेंक देते हैं, वो तो मैं बताऊंगा कहाँ फेंक देते हैं। तो इन्हें हम फेंक देते हैं पीडीडी अकाउंट में। कहाँ फेंक देते हैं, पीडीडी अकाउंट में। तो सेकेंड एंट्री जो है वो आपकी इस प्रकार से इसलिए बनती है, पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। हाँ, और कितने रुपए, 16000, बिल्कुल सही। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, ताकि आपको पता रहे कि भाई ओल्ड प्लस न्यू। तो ओल्ड और न्यू दोनों बैड डेट्स को हम कहाँ फेंक देते हैं, पीडीडी अकाउंट। उसके बाद तीसरी एंट्री आप कर नहीं सकते,
तीसरी एंट्री पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के एंड में ही हो सकती है, तो ये मैं इसलिए लिख देता हूँ, थर्ड एंट्री आपको हमेशा एट लास्ट ही करनी पड़ती है। ये हम ऐसे देख के नहीं कर सकते कि अच्छा बस ये ऊपर से सवाल देखा, अच्छा ये है और कर दी। बस आप सवाल देख के दो ही कर सकते हो। तो पहले दो क्लियर हो गई, पहली वाली एक बार बोल दो कि कैसे करनी है आपको, नॉर्मल बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, और दूसरी वाली की वो स्टोरी याद रखो कि ओल्ड बैड डेट्स को और न्यू बैड डेट्स को दोनों को क्या करना है, प्लस करके फेंक देना है पीडीडी के पास। तो एंट्री होगी पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड। तीसरी अभी छोड़ देते हैं। चलो अब आते हैं जी लेजर्स पर। तो सबसे पहले डेटर अकाउंट, तो डेटर अकाउंट में आपको लिखना है ये एक एसेट है, तो आप लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। तो आपको डेटर्स की क्या वैल्यू दे रखी है? सर डेटर की वैल्यू दे रखी है सर हमें 4,10,000, तो आप यहां लिखेंगे 4,10,000। तो बताओ इसका बैलेंस बीडी डेबिट में क्यों लिखा, उधर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये एसेट है। तो भाई इतना ज्ञान सबको है, डेटर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट अकाउंट। तो एसेट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस कहां लिखने हैं आपको डेबिट साइड पर। ठीक है, अब मैं एक एंट्री दिखाऊंगा, पोस्टिंग आप बताएंगे। आपने फर्स्ट जर्नल एंट्री लिख रखी है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसकी लेजर की पोस्टिंग डेटर अकाउंट में कैसे होगी, कहां होगी? क्रेडिट साइड पे क्या लिखना है? बाय बैड डेट। वेरी गुड, तो बस पोस्ट कर दो। तो क्रेडिट साइड में आप लिख दोगे बाय बैड डेट अकाउंट 10,000। बस फिर इसकी कास्टिंग कर दो, खत्म हो गई बात। तो कास्टिंग का आंसर आएगा 4,10,000। फिर इसकी बैलेंसिंग कर दो, बैलेंसिंग का आंसर कितना आएगा? 4,00,000। तो बाय बैलेंस सी डी 4,00,000। तो बस पहला लेजर तो बन गया। ठीक है, तो सिंपल। अब आते हैं जी दूसरे लेजर पर, बैड डेट्स पर। तो बैड डेट का नेचर बताओ क्या है? एक्सपेंस। तो इसमें भी लिखना है टू बैलेंस बीडी, इसका मतलब होता है ओल्ड, रटने वाले बच्चों के लिए, यानी कि ओल्ड बैड डेट्स। तो कितना दे रखा है बैड डेट? 6,000। तो आप लिख लो 6,000। फिर मैं एक जर्नल एंट्री दिखाऊंगा, आपको उसकी पोस्टिंग बतानी है। ठीक है ऐसे भाई, पहली जर्नल एंट्री में लिखा है बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो इसकी पोस्टिंग बैड डेट अकाउंट में कैसे करोगे? डेबिट साइड टू डेटर। तो दीदी ने देखो बता दिया तुम्हारे बिहाफ पे, तो डेबिट साइड में क्या लिखना है? टू डेटर। ठीक है, तो इस एंट्री की पोस्टिंग सबको आती है ना भाई, जर्नल से लेजर की पोस्टिंग। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर की पोस्टिंग बैड डेट अकाउंट में कैसे करेंगे हम? डेबिट साइड पे लिख देंगे टू डेटर। तो लिख लो बस टू डेटर 10,000। अब प्रज्ञा दीदी एक और एंट्री दिखाऊंगा, उसकी पोस्टिंग आप बताना। सेकेंड एंट्री में लिखा है पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट 16,000, तो इसकी पोस्टिंग बैड डेट अकाउंट में कैसे करेंगे? ठीक है, वेरी गुड। तो क्रेडिट साइड पर क्या लिख देंगे? बाय पीडीडी अकाउंट 16,000। तो भाई क्लियर है सब बच्चों को? सिंपल है, किसी को मुश्किल तो नहीं लग रहा? जिसको मुश्किल लग रहा है इसका मतलब उसको जर्नल से लेजर की पोस्टिंग नहीं आती, मतलब उसमें इस चैप्टर का दोष नहीं है, आपका पुराने कुकर्म है। ठीक है, अब क्या करना है जी पोस्टिंग के बाद? अगला स्टेप कास्टिंग, तो कर दो कास्टिंग बस। तो डेबिट का 16 और क्रेडिट का 16, तो बैलेंस कितना आएगा? 0। तो फिर छोड़ देंगे, मतलब कुछ नहीं लिखना। तो ये अकाउंट हमेशा 0 ही होता है इस, हाँ हमेशा। अब इसका लॉजिक क्या होगा? हमने पुराने बैड डेट्स को
और नए बैड डेट्स को जोड़ के कहाँ फेंक दिया था, पीडीडी के पास। तो ये अकाउंट के अंदर भी वही हरकत हो रही है। अगर आप देखो ध्यान से, डेबिट साइड में 6,000 है, फिर डेबिट साइड में 10,000 है, दोनों जुड़ गए 16, और वो कहाँ चले गए, पीडीडी में। तो इस अकाउंट में आपका बैलेंस बचता नहीं है। चलिए अब आते हैं जी पीडीडी अकाउंट में प्रोविजन पे। प्रोविजन का नेचर बताइए। लाइबिलिटी, वेरी गुड। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बाय बैलेंस बीडी, वेरी गुड। तो ये आपने आज करी अच्छी बात। तो ये एक प्रकार से है ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग पीडीडी। तो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000, 20,000। तो पीडीडी आप लिख लोगे 20,000। उसके बाद मैं एक जर्नल एंट्री दिखाऊंगा, आइसक भाई फिर पोस्टिंग बताओगे। ओके, तो सेकंड जर्नल एंट्री में यहाँ लिखा है पीडीडी अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट। इसकी पोस्टिंग पीडीडी अकाउंट में बताओ कैसे करोगे। तो देखो दीदी तुम्हारे बिहाफ पे बता देती है, क्योंकि उनसे रहा नहीं जा रहा, उनको इतने अच्छे से आता है कि अंदर से आंसर निकल रहा है। तो पीडीडी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है टू बैड डेट अकाउंट 16,000। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया सबको। चलो, तो यहां तक तो सिंपल था, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट आएगा बस, मतलब नया पॉइंट जो मुझे नया सिखाना। अभी तक तो सिंपल है, जर्नल देखा, लेजर में पोस्ट कर ले। अब हमें जो ये सेकंड एडजस्टमेंट है, यानी कि क्लोजिंग पीडीडी जो हमने नाम दे रखा है, इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। क्योंकि क्लोजिंग पीडीडी को हमें कहां लिखना पड़ता है, क्लोजिंग पीडीडी को हमें पीडीडी के अकाउंट में लिखना पड़ता है। तो आप चाहे पहले नाम लिख लो, इसको बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। तो आपको जो क्लोजिंग पीडीडी होता है उसे कैलकुलेट करके यहां लिखना पड़ता है। तो मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूं कि भाई इसको कैलकुलेट करें, इसको क्या करें, कैलकुलेट करें, ठीक है जी, क्लोजिंग पीडीडी। चलो, तो क्लोजिंग पीडीडी कैलकुलेट करने के लिए एक बार ऊपर चलते हैं वापस। तो जी पीडीडी क्लोजिंग, क्लोजिंग क्लोजिंग पीडीडी दे रखा है एट द रेट 10%। चलो, तो निकालो 10% और मुझे भी बताओ क्या आंसर आएगा। मुझे क्या पता, मैंने तो सिखा दिया था पहले। तो निकालो जी 10% कितना आएगा आंसर, किसका निकालते हैं ये 10%, किसका कैलकुलेट करना है, बोलो मुंह से रोहित नायक। किसका कैलकुलेट करते हैं पीडीडी, डेटर्स का, ठीक है। पीडीडी किसका कैलकुलेट करना है भाई, सब बच्चे बोले डेटर्स का, ठीक है ना। तो आपको डेटर्स कितने रुपए के दे रखे हैं, 4,10,000 के। तो 10% कितना आ जाएगा, 41,000। तो ये आपकी हो जाएगी वो क्लासिक गलती जो हर बच्चा गली मोहल्ले में कर रहा है। मतलब अगर ये क्वेश्चन 100 बच्चों को दिया जाएगा तो उसमें से 97 बच्चे 41,000 ही निकालेंगे जो गलत होगा। तो इसीलिए मेरा रोल अब बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर आ रहा है। जब हम क्लोजिंग पीडीडी निकालते हैं तो हम कभी भी डेटर्स के इस वाले वैल्यू पर नहीं निकालते, यानी कि ओपनिंग वैल्यू जो ये दे रखी है इस पर कैलकुलेट नहीं करते। आपको इसमें से माइनस करना पड़ता है न्यू बैड डेट्स। कौन से बैड डेट्स माइनस करने पड़ते हैं, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स आपको 10,000 दे रखे हैं ना, वो माइनस करने पड़ते हैं। तो आपकी वैल्यू कितनी बची डेटर्स की, 4,00,000। तो आपको एक तरह से टेक्निकली दिखाने के लिए बता रहा हूं, जो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है, बाय बैलेंस सीडी की क्या वैल्यू बच रही है, देखो 4,00,000 बच रही है ना। तो आपको हमेशा डेटर के इस क्लोजिंग वैल्यू पर कैलकुलेट करना होता है। तो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करते हैं, जो आपने शुरू शुरू में करी, आप
इस दिए हुए डेटर पर क्लोजिंग पीडीडी कैलकुलेट करोगे, जो गलत होगा। आपको हमेशा कौन से डेटर पर पीडीडी कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग डेटर पर, यानी कि न्यू बैड डेट्स को माइनस करने के बाद। तो अब सही वैल्यू लिखो, तो 10% आप 4 लाख का कैलकुलेट कर लोगे, कितना आ जाएगा? 40,000। तो ये आपकी सही वैल्यू है क्लोजिंग पीडीडी की। तो ये आप बादल में लिख लो ताकि आपको याद रहे, तारे लगा देते हैं। ठीक है जी, क्लोजिंग पीडीडी 40,000। तो अब हम क्लोजिंग पीडीडी को चलते हैं, लिख लेते हैं वहां पे जहां लिखना था, पीडीडी अकाउंट में। तो यहां आप लिख लो 40,000 बस। तो ये अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया। तो अब इस अकाउंट की क्या करेंगे हम? कास्टिंग। तो कितना आएगा? 56,000। अब कास्टिंग करने के बाद क्या करेंगे? बैलेंसिंग। तो कितना बचेगा? 56 माइनस 20 करो, 36,000। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन आपका यहां तक 4 नंबर का बनता है। तो आपको ये लेजर अकाउंट बनाने पड़ते हैं। अब इसका नाम बताना जरा, बाय बैलेंस सीडी। वेरी गुड। तो ये है नलाई की भाई, डेबिट में लिखा है टू बैलेंस सीडी, और क्रेडिट में भी लिख दिया बाय बैलेंस सीडी, और क्रेडिट में ही लिखा है बाय बैलेंस बीडी भी, तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए तो याद रखना है, इसीलिए तो मेरा रोल है इसको क्या नाम देना है। इसको नाम देना है जी, लिखो बाय पीएनएल अकाउंट। और यहां से आपको वो अपनी थर्ड एंट्री पता चलती है। ओके, जो थर्ड एंट्री छोड़ के बैठे हुए हो ना, वो यहां से पता चलती है। इससे इसको नाम देना है बाय पीएनएल अकाउंट। तो अब इस बार उल्टा करना है, लेजर की पोस्टिंग देख के जर्नल एंट्री बताओ। हाँ, तो इस पोस्टिंग को देख के आपकी वो थर्ड एंट्री बनेगी। समझ रहे हो प्रेरणा दीदी, क्या बनेगी थर्ड एंट्री? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीडीडी अकाउंट। हाँ, तो बनाओ थर्ड एंट्री, पीएनएल अकाउंट डेबिट। तो ये आपको लास्ट के उस आंसर से पता चलेगी, एंट्री टू पीडीडी अकाउंट 36,000। तो इसीलिए पूरा प्रश्न जो है 4 नंबर या 5 नंबर में आता है कि आप जर्नल करके, लेजर करके और फिर ऐसे पता लगाते हो। ठीक है, तो क्लियर हो गई यहां तक कहानी? चलो, तो ये तो खैर 5 नंबर कंप्लीट हो गए यहां तक के लेजर के। बाकी कई बार क्वेश्चन ये सब हरकतें ना करवाए और सीधा आपको कहे कि भाई मुझे जर्नल लेजर नहीं बनाने, मुझे तो क्या बना के दिखा दो बस, पीएनएल और बैलेंस शीट। तो हम कैसे शो करेंगे, आइए वो भी कर लेते हैं। तो लिखो मेरे साथ, टू बैड डेट। तो मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इसको बस आप भी लिख लो और इसी को याद रखना, आंसर सेम आ जाता है। तो हम ओल्ड बैड डेट्स लिखते हैं, प्लस उसमें जोड़ते हैं न्यू बैड डेट, प्लस उसमें जोड़ते हैं क्लोजिंग पीडीडी, और इसमें से माइनस करते हैं ओपनिंग पीडीडी। ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाता है, जो भी आंसर आएगा पीएनएल का वो बाहर आ जाएगा। तो आप बताओ वैल्यूज, मैंने फॉर्मूला लिख लिया। ओल्ड बैड डेट बताओ कितने हैं? 6,000। ओके, फिर रोहित भाई बताओ न्यू बैड डेट? 10,000। ओके, फिर उसके बाद चेतन भाई बताओ क्लोजिंग पीडीडी? 40,000। क्लोजिंग पीडीडी कितना है? 40,000। ओके, फिर स्वेतलाना दीदी बताओ ओपनिंग पीडीडी, ओपनिंग वाला?
20,000 ओके, इसको माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट लगा दो। तो इस पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, फिर एक जादू दिखाता हूँ। तो इस पूरी मैथमेटिक्स को सॉल्व करके क्या आ रहा है? 36,000। तो मज़ेदार बात यही होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि जो आपने पीडीडी अकाउंट में वो निकाला होता है ना फाइनल आंसर बाय पीएनएल अकाउंट 36,000, तो वो आपका यही होता है वैसे भी 36,000, जो पीएनएल अकाउंट में भी वैसे भी करने पर आ रहा होता है 36,000। तो पीएनएल अकाउंट आपका क्लोज हो गया। और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन में क्या क्या दिखाना है वो लिख लो। डेटर्स वो आप बताओगे, माइनस न्यू बैड डेट वो भी आप बताओगे, और माइनस क्लोजिंग पीडीडी सर वो भी हम ही बताएंगे। हाँ तो डेटर्स की वैल्यू क्या है सर? 4,10,000 ओके। न्यू बैड डेट 10,000 ओके। और क्लोजिंग पीडीडी 40,000 ओके। तो आंसर 3,60,000 ओके, बहुत बढ़िया। तो कई बार क्वेश्चन आपसे खाली कहेगा कि पीएनएल और बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन दिखाओ, तो फिर आप खाली ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट ये याद रखना है, ठीक है? तो एग्जाम के लिए एग्जाम्पल टू जो है ये कॉम्प्रिहेंसिवली करवाना था मुझे, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो सर इसका एक होमवर्क का क्वेश्चन आप हमें दो, हम घर से खुद भी एक ट्राई करना चाहते हैं। तो ठीक है आइसक भाई, जब तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक एग्जाम्पल थ्री नोट करें और वो आप से अगली कक्षा में पूछा जाएगा। चलो तो फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल थ्री होमवर्क वाला नोट करके फिर घर जाओ, ट्रायल बैलेंस बना लो छोटा सा, एक डेबिट क्रेडिट। तो लिखो जी सन्ड्री डेटर्स 2,00,000, पीडीडी 16,000, और बैड डेट्स 5,000। उसके बाद नंबर वन एडजस्टमेंट, बैड डेट्स लिखो। मानस तुम लिख नहीं रहे, कौन से नशे में हो? बैड डेट्स ₹500, नंबर टू पीडीडी एट द रेट 5%। तो आपको क्या क्या करना है? जर्नल, लेजर, पीएनएल और बैलेंस शीट, ठीक है? मतलब सेम कार्यक्रम करना है। चलो तो बस ये थी आज की कहानी। तो अच्छे से रिवाइज करना और होमवर्क कंप्लीट करके आना।